Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil Sir back with another video lecture. And in this video lecture, we'll cover your exercise 5B and we'll solve all the questions of your exercise 5B. But before solving your exercise 5B, there is a lot of things to know about these exercises. And these exercises totally based on those things which we are going to complete. So here is something to know about this exercise. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। देखिए जो दिया है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी डिजिट हमें दिया हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 का डिविजिबल है या नहीं, वो 3 का डिविजिबल है या नहीं, वो 5 और 10 का डिविजिबल है या नहीं। तो आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर 5 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। कौन कौन सा? तो पहला 2 का, दूसरा 3 का, तीसरा 5th का यानी 5 का, चौथा 9 का और 5वां 10 का। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 लिखा हुआ। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम 5, 9 और 10 को भी सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है, जो भी आप कह लें वो इसको सॉल्व करने के लिए है। तो देखिए पहला ही है डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मित्र कि हम 2 से किन किन चीज़ों को, किन किन डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑल द नंबर्स विच आर इवन कैन डिविजिबल बाय 2। तो जी हाँ सर, जो भी नंबर हमारा इवन होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। इवन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। तो इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 है ना, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ढेर सारे। तो जो डिजिट हमारे क्या होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, वही हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। और इवन नंबर्स भैया किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 0 भी बोला, तो आप बोलोगे सर 0 कैसे इवन हो गया? तो समझिए हर वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा जो एंड होता है 0 से, 2 से, 4 से, 6 से एंड 8 से। यानी कि हर वो डिजिट, हर वो नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए या वो नंबर खुद 2, 4, 6, 8 हो, दैट इज कॉल्ड आवर इवन नंबर्स एंड डिविजिबल बाय 2। क्लियर हुई चीज़ें? जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 तो क्या हो गया भैया? तो 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके पीछे मैंने लिख दिया 0, तो अब देखिए 2 के लास्ट में क्या गया? 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। मैंने लिख दिया सर 1, तो क्या 1 डिविजिबल होगा 2 का? तो आप कहेंगे नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि इवन नहीं है। बट अगर मैंने लास्ट में लिख दिया 8, तो 8 क्या है भैया? अगर लास्ट में आया तो हमारा क्या हो जाएगा? इवन। सो इट इज़ इवन और नॉट? सो यू विल से यस सर इट इज़ इवन। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सर 5, क्या इवन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या 5, 2 का डिविजिबल है? देन यू से नो सर। बट इफ आई राइट 4, 5 के बाद अगर 4 आ गया तब क्या कहेंगे? जी हाँ सर, यही तो है वो नंबर, यानी कि आपकी ही तलाश थी, आप कहाँ थे इतने देर से, है ना। तो 54, 18 एंड 20 क्या हो जाएगा? इट इज़ योर इवन नंबर एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अ 2 डिजिट नंबर, मान लेते हैं कोई 2 डिजिट नंबर है जो इस फॉर्म में दिया है 10a + b के फॉर्म में दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि ये जो नंबर दिया होगा वो डिविजिबल 2 का तब होगा इफ b इज एनी ऑफ द डिजिट्स। b क्या होना चाहिए सर? 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये है तो हमारा नंबर क्या कहला जाएगा सर? ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब 10a + b का मतलब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं मित्र तो वो वीडियो देख कर के आइए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे लिखा 10a, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? 10। और ये क्या बोल रहा है कि सर वो डिविजिबल 2 से होगा तब जब हमारा जो b है वो क्या होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। तो अब मान लेते हैं हमारा दिया है 10 और a की जगह पर दे दिया है 3, ये तो हो गया हमारा क्या भैया? ऑड। लेकिन 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखेंगे भी। प्लस b क्या बोला है सर? कि b बोला है कि आपका इवन होना ही चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, तो 10 3 हो जाएगा 30 और 30 को अगर मैंने 4 से ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 34। और ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ़ एनी नंबर विच इज़ इन फॉर्म 10a + b इट विल बी डिविजिबल बाय 2 इफ़ b इज़ एनी इवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8। इज़ दैट क्लियर? 0 to 4, 6, 8 ही केवल आपका इवन नंबर नहीं है, बट इसे हम इवन नंबर क्यों मानते हैं या फिर हर जगह इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी भी नंबर के बीच में नहीं, किसी भी नंबर के बाद अगर इन नंबर को लिख दिया जाए तो हमारा इवन कहलाएगा। चलिए सेकेंड रूल क्या कहता है सर? अ 3 डिजिट नंबर, अब किसकी बात कर रहे हैं? 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। विच इज़ इन द फॉर्म 100a + 10b + c, विच इज़ इन द फॉर्म 100a + 10b + c इज डिविजिबल बाई 2। ये 2 का डिविजिबल कब होगा? इफ c इज एनी ऑफ द डिजिट्स, जबकि c क्या होना चाहिए? कोई डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। इट मीन्स क्या हो रहा है सर कि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट में क्या आ जाए 0, 2, 4, 6, 8 है पहला। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अगर कोई भी हमारा जो डिजिट है वो 10a + b के फॉर्म में दिया हुआ है तो b क्या होना चाहिए उसको? इफ डिविजिबल 2 से होने के लिए उसका रूल है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना ही होना चाहिए। थर्ड रूल क्या कह रहा है? ए कुछ भी हो, ए से फर्क नहीं पड़ता, ए कुछ भी हो। फिर आपको कह रहा है कि अगर कोई डिजिट है जो कि 3 डिजिट है, क्या है? 3 नंबर का डिजिट है, और अगर उसको इवन होना है तो क्या कंडीशन है कि 100a + 10b + c लिखेंगे, लेकिन हमारा जो c होना चाहिए वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। a और b से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब इसे भी अगर कर लिया जाए तो कैसे करेंगे सर हम लोग? तो इसे अगर हमें करना हो तो हम करेंगे, देखिए जैसे हमारा दिया 100a, तो मैंने मान लिया 100 × a को मान लिया 5 + 10b, तो b को मैंने मान लिया 3। चलो मैं ऑड ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इवन लेंगे तब तो सही है ही, ऑड भी लेकर के देखते हैं। लेकिन c क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ 4। तो 100 × 5 तो आप कहेंगे सर 500, + 10 × 3 तो आप कहेंगे सर 30, + 4 तो 500 + 30 कितना हो जाएगा? 530, और 30 + 4 कितना हो जाएगा? 534। इट मीन्स कि 5 और 3 ऑड है, बट लास्ट में 4 आ गया तो कैसे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा मित्रों। तो 534 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, 13 × 6 = 12, 14 × 7 = 14। इट मीन्स क्या हो गया? कटपिट हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो रूल है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है सर कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारा डिजिट दिया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं? कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डिजिट दिया हुआ है वो 3 का डिविजिबल है या नहीं? तो इसके लिए भी कुछ रूल होगा। तो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, लाइक मान लेते हैं कोई 2 डिजिट नंबर है, वो किस फॉर्म में है? 10a + b के फॉर्म में है। ये डिविजिबल होगा 3 का यदि a + b इज डिविजिबल बाय 3, यानी इस फॉर्म में तो दिया ही हो, लेकिन वहाँ पर कह रहा था केवल b की बात कर रहा था, केवल c की बात कर रहा था। यहाँ क्या कर रहा है कि हमारा जो a + b है दोनों किस फॉर्म में होना चाहिए सर कि ऐड करने पर 3 से डिविजिबल हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने a की जगह रख दिया 1 और b की जगह रख दिया 2। a की जगह क्या रखा? 1, b की जगह 2। अब क्या कर दिया मैंने सर? यहाँ कह रहे a + b = क्या होना चाहिए? 3 का डिविजिबल। तो जब मैं इनको ऐड करूँ a + b, a की वैल्यू 1, b का 2, तो ये क्या होगा? 3, और 3 डायरेक्टली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर लास्ट के 2 नंबर को हमने ऐड किया और अगर वो 3 का डिविजिबल हो जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा सर? ये हमारा क्या कहलाएगा? डिविजिबल बाई 3। अब जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ a को 5 और b को मान लेता हूँ 4। अब हमारा क्या हो जाएगा? a + b, तो 5 + 4 ये कितना हो गया? 9, और 9 3 से डिविजिबल है। क्लियर? तो इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, कौन डिविजिबल नहीं होगा? तो मान लेते हैं मैं a को मान लेता हूँ 2 और b को मान लेता हूँ 3। अब a + b मैंने किया तो क्या आ गया सर? 2 + 3 = 5 आ गया। तो क्या 5 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। देखिए डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब आप उस नंबर का टेबल पढ़ो, लाइक 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 10 का टेबल, तो उसके लास्ट में वो डिजिट आना चाहिए या उस टेबल में वो डिजिट आना ही चाहिए। क्लियर है? तो 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। तो उम्मीद करने चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर विच इज़ इन फॉर्म 100a + 10b + c इज डिविजिबल बाई 3, वो तब ही डिविजिबल होगा 3 से जब क्या हो जाए हमारा a + b + c, अब तीनों को ऐड कर दिया, वो डिविजिबल किससे हो जाए? 3 से हो जाए। यानी जो 3 नंबर का डिजिट है वो तब ही केवल 3 का डिविजिबल होगा जब a + b + c तीनों क्या हो सर? ऐड करने पर हमारा क्या आ जाए? 3 का डिविजिबल। जैसे मैंने लिख दिया 927, मैंने क्या लिख दिया? 927। तो 9 को मान लिया a, 2 को मान लिया b और 7 को मान लिया c। अब a + b + c करते हैं, a + b + c करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2 प्लस 7, तो 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18, और क्या 18 3 का डिविजिबल है, तो 3 6 18, इसका मतलब कि हमारा जो नंबर 9 to 7 है वो डिविजिबल किसका हो जाएगा सर 2 3 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने नंबर लिख लिया 528, अब 528 को मैं तीनों को ऐड कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और रूल के अकॉर्डिंग मैंने तीनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा सर 5 प्लस 2 प्लस 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, और 15 3 का डिविजिबल होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर जो हमारा गिवन है, जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है वो डिविजिबल 2 से है या नहीं, डिविजिबल 3 से है या नहीं। So hope you understand this point. So okay, we have to erase it and then we'll know the next divisibility rules. तो बहुत सारे डिजिट ऐसे हैं जिन्हें कि हमें देखना है, जैसे आपका हो गया क्या 5, आपका हो गया 9, आपका हो गया 10। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं कि कोई भी नंबर 5, 9 और 10 का डिविजिबल कब होगा, और उसको देखने के बाद हम आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एकदम आसानी से इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व होगा। फिर इसको इरेज करके या फिर इस वीडियो लेक्चर को खत्म करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका 5C सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको आगे बाकी डिविजिबल रूल के बारे में बता देते हैं। तो अब इसी स्लाइड के अंदर हम आपके डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, किसका किसका सर 2 और 3 का आपने देखा था, अब हम देखेंगे 5 का 9 का और 10 का। तो यहाँ पर लिखा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5, आप कहेंगे सर कुछ नहीं लिखा है ना। तो देखिए कि हमारा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल कब होगा, तो तब होगा इफ़ यूनिट डिजिट क्या है सर, इफ़ यूनिट डिजिट इज़ 0 और 5, यानी कि कोई भी नंबर वो 5 से तब डिविजिबल होगा अगर उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 हो। यूनिट डिजिट इन द सेंस कि मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पर लिखा 10 तो इसको बोलते हैं यूनिट, इसे बोलते हैं क्या सर टेंस। मैंने लिख दिया 100, इसे क्या बोलेंगे यूनिट, इसे बोलेंगे टेंस, इसे बोलेंगे हंड्रेड्स। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तभी ये डिविजिबल किसका होगा 5 का, अदरवाइज 5 का डिविजिबल नहीं होगा। अब इस केस में क्या कह रहा है कि 10a प्लस b, क्या कह रहा है सर 10a प्लस b कह रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है कि जो हमारा b है क्या है, सारे शब्द वही रहेंगे। जो हमारा b है 10a प्लस b में क्या कह रहा है, जो हमारा b है वो क्या होना चाहिए सर, वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लाइक 10a प्लस b लिखा हुआ है, मान लो कि मैंने कर दिया यहाँ पर 10 into a को मान लिया 5 प्लस b को क्या मान लिया 5, तो ये हो गया 50 प्लस 5, तो कितना हो गया 55। यानी कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट में यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 आए। मान लेते हैं इसी को मैं कर देता हूँ 10 into 3 प्लस 0, तब क्या हो जाएगा सर 10 3 is 30 प्लस 0 तो 30 प्लस 0 कितना हो जाएगा 30। तो कोई भी नंबर 5 का डिविजिबल तब ही होगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 या 0, या फिर अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में 10a प्लस b दिया है तो b क्या होना चाहिए हमारा 0 या 5 होना चाहिए, a से मतलब नहीं है। अगर कोई भी नंबर हमारा दिया हुआ है जनरलाइज्ड फॉर्म में कि 100a प्लस 10b प्लस c, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल कब होगा, तो सेम कंडीशन क्या है कि हमारा c क्या होना चाहिए सर, c 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पर b 0 या 5 था, यहाँ पर c क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। अब मान लेते हैं इसको कि 100 into 3 प्लस 10 into 2 प्लस c क्या होना चाहिए, तो 0 या 5 होना चाहिए, तो मैं 5 मान लेता हूँ। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 3 is 300 प्लस 10 2 is 20 प्लस 5, तो 300 प्लस 20 कितना हो जाएगा 320, 320 प्लस 5 कितना हो जाएगा 325। सो होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई भी डिजिट 5 का डिविजिबल कब होगा जब उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 या फिर 5 हो। तो ये तो था डिविजिबिलिटी रूल 5 का। अब बात करें सर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी कि 9 से कैसे डिविजिबल होगा, तो अगर कोई हमारा फॉर्म दिया है इसमें तो इसमें कैसे सॉल्व होगा। बट पहले आप जानिए कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 यानी कि कोई भी नंबर 9 का डिविजिबल कब होगा, तो 9 का डिविजिबल तब होगा जब भी हमारा कोई डिजिट है वो किस फॉर्म में हो, a प्लस b अगर हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी हमारा जो a प्लस b है वो अगर 9 का डिविजिबल है तब ये हमारा क्या कहलाएगा सर कि डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे यहाँ लिखा 10a प्लस b, मैंने यहाँ पर 10 को लिख दिया सर 10a की जगह लिख दिया 3 प्लस b को मैंने लिख दिया 3, और ये क्या होना चाहिए 9 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर इसका ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है सर 3 है, b की वैल्यू कितनी है 3, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे a प्लस b है ना, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 3, तो 3 + 3 ये कितना हो गया 6। और क्या 6 9 का डिविजिबल है? नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डिविजिबिलिटी बाय 9 नहीं कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि मैंने ए की जगह रख दिया 8 और बी की जगह पर रख दिया 6। अब कर लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा? 8 + 6 हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा। और 8 × 6 कितना होता है? 8 × 6 होता है 14। तो क्या ये हमारा 9 का डिविजिबल है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये भी 9 का डिविजिबल नहीं है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया सर 10 और यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया 18। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 + 100 और +18 कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 118। और 118 जो है हमारा सर 10 + 18 करेंगे ना, 10 + 18 करेंगे तो कितना होगा 28। और क्या 28 हमारा 9 का डिविजिबल है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये भी 9 का डिविजिबल नहीं है। क्लियर हो रही चीज़ें? तो 9 का डिविजिबल कब कहलाएगा? जब हमारा a + b जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? अगर वो हमारा हो जाता है किसके इक्वल? 9 के डिविजिबल। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिजिट लिखा हुआ है, कपड़ा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिजिट हमारा लिखा हुआ है 32। क्या लिखा हुआ है? 32। अब हम 32 को ऐड करेंगे तो किसको ऐड करेंगे? a + b यानी कि 3 + 2 को ऐड करेंगे कितना क्या 5। 9 का डिविजिबल है नहीं। अब मान लीजिए कोई डिजिट दिया हमारा 69, 6 + 9 ऐड करेंगे तो 6 + 9 कितना होगा 15। 9 का डिविजिबल है नहीं। यहाँ पर कोई डिजिट लिखा है 72, 72 को मैंने क्या लिखा 7 + 2 9। तो 9 का डिविजिबल है? हाँ है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे a + b को देखेंगे और a + b अगर हमारा 9 से कट जाएगा तो वो 9 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको ही फॉर्म दिया है 100 a + 10 b + c। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा डिजिट है वो a + b + c तीनों किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारा कोई डिजिट दिया है 327, इसको ऐड करिए, इसको a मानिए, इसको b, इसको c ऐड करेंगे तो 3 + 2 + 7, तो 3 + 2 5, 5 + 7 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12। 12 9 का डिविजिबल है नहीं है, तो ये भी 9 का डिविजिबल होगा नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर आपको दिया है 9 9 9 ऐड कर लेंगे, इसको a, इसको b, इसको c मानेंगे तो 9 + 9 + 9 कितना होगा 9 9 18 9 3 27। 9 का डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। इट मीन्स कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो तीनों को ऐड करके अलग अलग हम चेक कर लेंगे क्या ये 9 का डिविजिबल है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर हमारा दिया है 117 मान लेते हैं, क्या दिया है 117 दिया है। अब इसको ऐड करके देखेंगे क्या ये 9 का डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 1 + 1 + 7, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, यानी ये 9 का डिविजिबल होगा। ये किसका डिविजिबल होगा? 9 का डिविजिबल होगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारा कोई डिजिट दिया है सर 336, अब इसको ऐड करिए तो 3 + 3 + 6, तो 3 3 6, 6 + 6 कितना 12। क्या ये 9 का डिविजिबल है? तो जी नहीं, 9 का डिविजिबल नहीं है। बट अगर क्या मैं पूछूँ ये 3 का डिविजिबल है तो आप कहेंगे यस सर, ये 3 का डिविजिबल है। तो ये तो था डिविजिबिलिटी का रूल 5 का और 9 का। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? अब लास्ट जो रूल बचा है सर वो 10 वाला है, बहुत सिंपल है। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? तो केवल उसी फॉर्म में होगा जब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए 0। इफ़ एनी डिजिट्स यूनिट डिजिट इज क्या है 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10। जैसे 10 a + b, अब क्या कह रहा है कि जो हमारा b है, b हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 10 a + b + c, तो यहाँ पर हमारा जो c है वो क्या होना चाहिए? तो c हमारा 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर हमारा डिजिट दिया है यहाँ पर 20, तो लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब किसका डिविजिबल है? 10 का। यहाँ पर आ गया 60, लास्ट में 0 आ गया तो किसका डिविजिबल है? 10 का। अगर ये कर दिया 67, तो लास्ट में 7 है, 0 नहीं है तो क्या 10 का डिविजिबल है? नहीं है। यहाँ आ गया 80, लास्ट में आ गया 0, तो किसका डिविजिबल होगा सर? 10 का। अब इसमें c = 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिया 382, तो लास्ट में 2 आ गया, तो क्या डिविजिबल है 10 का? नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए 660, तो लास्ट में क्या आ गया 0, तो 10 का डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर आपको दे दिया जाए 889, तो लास्ट में आ गया 9, तो क्या ये डिविजिबल है हमारे 10 का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है। और अगर हमारे दे दिया 900, तो लास्ट में आ गया 0। इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल ऑफ 10। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5b, यानी कि इसके बिना हम एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने क्या किया, पहले देख लिया कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल क्या क्या है। तो पहला हमने देखा 2 से कब 2 से डिविजिबल होगा, जब वो नंबर हमारा यूनिट वाला इवन होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा 0 2 4 6 या 8 होगा। 3 से कब डिविजिबल होगा, 3 से तब डिविजिबल होगा जितने भी नंबर दिए उन दोनों का अगर मैं ऐड करूं और अगर वो 3 का डिविजिबल है तब तो भाई वो 3 का डिविजिबल होगा। 3 डिजिट दिया हुआ है तो कब होगा 3 से डिविजिबल, तो तीनों को जब ऐड करेंगे एक साथ, और तीनों को ऐड करने के बाद जैसे क्या क्या दिया था, मान लेते हमारा दिया 1 1 2, तो तीनों को ऐड करिए 1 + 1 + 2, तो ये कितना आ गया 4 4। 3 का डिविजिबल है नहीं, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन सबको ऐड करने पर अगर हमारा 3 के फॉर्म में आ जाए, नहीं 3 से डिविजिबल हो तो हमारा क्या करेगा डिविजिबल बाई 3। अब डिविजिबल बाई 5 का क्या मतलब है सर, डिविजिबल बाई 5 कोई भी नंबर तब 5 से डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए। ठीक, 9 का क्या रूल है, 9 का भी 3 की तरह रूल है कि ऐड करने पे सबको क्या आ जाए सर, अगर वो 9 का डिविजिबल आ रहा है तब तो उस फॉर्म में होगा। 10 में क्या है, तो सिंपल सा रूल है भैया कि लास्ट में हमारा 0 आ गया तो 10 का डिविजिबल है, नहीं आया तो 10 का डिविजिबल नहीं है। समझ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से देखिए वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और एक्सरसाइज 5B कोशिश करते हैं कि पूरा ख़त्म किया जाए और बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपके एक्सरसाइज 5B को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 5B एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबल कब होगा, तो कोई भी नंबर 2 का डिविजिबल तब होगा जब उसके जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाए सर आपका, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। पहला डिजिट बताइए सर, पहला डिजिट इवन है क्या, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 7, तो क्या ये आपका डिविजिबल 2 से है, बिल्कुल नहीं। 34 है क्या, जी हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 इज इवन। 60 है क्या, जी हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है 0। 93 है क्या, तो 3 इवन नंबर नहीं है इसलिए नहीं है। 126, तो जी हाँ 6 आपका क्या है इवन नंबर है, इसीलिए हमारा क्या हो गया सर, मैंने आपको बताया था अभी बताया था कि लास्ट में क्या आना चाहिए 0 2 4 6 या फिर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है नहीं होगा, 4 है बिल्कुल होगा, 0 है होगा, 3 है नहीं होगा, 6 है होगा, इसमें कहीं 5 है क्या, ये 1 नहीं है मित्र, 1 मत समझिएगा। 5 है तो 5 उसमें है क्या, नहीं, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा, 0 होगा, 2 होगा। इट मीन्स अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 34, 60, 126, 890 एंड 992। इज दैट क्लियर। चलिए सर अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को सबको ऐड करके देखेंगे, अगर वो 3 का डिविजिबल होगा तब तो डिविजिबल होगा। देख लेते हैं पहला क्या है 42, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 क्या 3 का डिविजिबल होगा, तो हाँ होगा, तो 42 आपका क्या होगा सर डिविजिबल होगा। 73 कर लेते हैं, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो क्या 10 3 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो ये तो हो गया ये नहीं होगा। 84 की बात करें तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 3 का डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, तो 84 भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल कैसे, 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो जिसका रिमाइंडर 0 बचे वो डिविजिबल है। 105 कर लेते हैं, तो 1 + 0 + 5, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 3 का डिविजिबल है तो जी हाँ बिल्कुल है, तो 105 भी किसका डिविजिबल होगा 3 का। 314 को ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 1 + 4, तो 4 + 1 5, 5 + 3 कितना होगा 8, क्या 8 3 का डिविजिबल है, नहीं, तो 314 3 का डिविजिबल होगा नहीं। 726 की बात कर लेते हैं, तो 7 + 2 + 6, 6 + 2 8, और 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 3 का डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है, तो 726 डिविजिबल किसका है 3 का। 814 ऐड कर लो मित्र, 8 + 1 + 4 क्या हो जाएगा 8 + 1 5, और 5 + 8 कितना हो जाएगा, तो 5 + 8 हो जाता है आपका 13, और 13 क्या डिविजिबल है 3 का, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। 915 की बात करें तो ऐड कर लो 9 + 1 + 5, तो कितना होगा सर 9 + 1 10, 10 + 5 कितना होगा 15, और ये भी आपका डिविजिबल किसका है 3 का। तो पूछा जाए कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो योर आंसर विल बी 42, 84, 105, 726 एंड 915। होप यू अंडरस्टैंड। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और किस तरीके से करना है, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, तो बहुत सिंपल था कि अगर हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमारा इवन आ गया, और 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि a + b करने पे हमारा क्या आना चाहिए था 3 का डिविजिबल, या a + b + c को ऐड करने पर 3 का डिविजिबल, तो वही हमने यहाँ पर किया, और यहाँ करने के बाद हमें कुछ नंबर मिल गए जो कि डिविजिबल 3 का है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, यानी वो कौन सा नंबर है जो 5 का डिविजिबल है। तो बहुत सिंपल है मित्रों, मैंने क्या बताया था कि 5 का डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ये दोनों दिख गया तो देखते ही मार देंगे धड़ाम से, है ना। तो लास्ट में 0 यानी डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 या 5 नहीं डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 5 डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 डिविजिबल होगा, लास्ट में 5 डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 डिविजिबल होगा, लास्ट में 4 डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 5 डिविजिबल होगा। यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए सर, 0 या 5। तो ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है और ये डिविजिबल है। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए सर कि कौन कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल किसका होगा, 2 का, तो कौन कौन सा नंबर निकल कर के आया, तो 34, 60, फिर कौन सा आया सर 126, फिर कौन सा आ गया गुरु, फिर आ गया 890 और उसके बाद कौन सा आ गया, तो ये आ गया 992। इट विल बी योर आंसर। पूछा जाए कौन सा नंबर 3 का डिविजिबल है, तो भैया 3 का डिविजिबल है आपका 42, 3 का डिविजिबल है आपका 84, 3 का डिविजिबल है आपका 105, 3 का डिविजिबल आपका कौन सा है तो 726, फिर 3 का डिविजिबल कौन सा है 915 है। अब पूछा जाए कि 5 का डिविजिबल, तो सर आपका 30 हो गया, 75 हो गया, 210 हो गया, 305 हो गया, 640 हो गया एंड 985। सो होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसमें आपसे पूछा है 9 का डिविजिबल और 10 का डिविजिबल। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बता देते हैं कि 9 और 10 का डिविजिबल किस तरीके से निकालेंगे। एंड आई होप कि आप अब इसको अपने से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो क्या करेगा यार, 814 को 815 कर देगा, 726 को 826 कर देगा, अब इससे ज़्यादा टफ क्या ही बनाएगा। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से रूल है, इसी रूल पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और आगे आपको 2 क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को भी सॉल्व करके खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, यानी वो कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है 9 का। मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करते जाएंगे ना। तो जैसे मैंने ऐड किया 3 + 6, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 का डिविजिबल है कि नहीं तो 36 हो गया। 90 की बात करें सर तो 9 + 0 कितना हो जाएगा 9, और ये 9 का डिविजिबल है कि नहीं, तो जी हाँ ये भी 9 का डिविजिबल है। 157 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 + 5 + 7, तो 5 + 1 कितना हो गया 8, सॉरी 5 + 1 हो गया 6, और 6 + 7 कितना हो गया तो 13। 9 का डिविजिबल है बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। चलिए 243 की बात करें सर तो 2 + 4 + 3, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो गया 9, और क्या ये 9 का डिविजिबल है, तो जी हाँ सर बिल्कुल है। फिर बात करें 514 तो 5 + 1 + 4, तो 4 + 1 5, और 5 क्या होगा 10, 9 का डिविजिबल है बिल्कुल नहीं है। फिर अगर बात किया जाए 810 का, तो 8 + 1 + 0, तो ये कितना आ गया सर 9 आ गया, 819, तो क्या ये 9 का डिविजिबल है, यस सर इट इज़। फिर बोला जाए 719 तो 7 + 1 + 9, तो 9 + 1 10, और ये हो गया 17, क्या 9 का डिविजिबल है नहीं। 936 की बात करें तो 9 + 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 + 3 हो जाएगा आपका 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, और ये 9 का डिविजिबल है क्या, सो यस इट इज़ अ डिविजिबल ऑफ 9। सो अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि 9 का डिविजिबल कौन कौन सा है, तो सर ये आपका आंसर होगा 36, 90, देन 243, after it 810 and last 936 and it will be your answer। तो 9 का डिविजिबल कौन कौन होगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब 10 के डिविजिबल में तो कुछ करना ही नहीं था, क्या करना था 10 के डिविजिबल में कि बस भैया जिसके लास्ट में 0 है देके मार दो सीधे, है ना। डिविजिबल होगा नहीं होगा, होगा होगा, ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, नहीं होगा नहीं होगा, हो जाएगा। यानी कि इसकी बात करें तो ये सब किसका डिविजिबल है, ये सब 5 का डिविजिबल है, क्योंकि उसके लिए क्या रूल था कि लास्ट में 0 या 5 है। बट 10 की बात करें तो 10 का क्या क्या होगा 0, 0, 0, यानी जिसके लास्ट में 0 आ जाए वो किसका डिविजिबल होगा 10 का। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5B एंड होप यू एंजॉय आवर वीडियो। तो ये वीडियो लेक्चर आपका यहीं पर खत्म होता है और आपका एक्सरसाइज 5B भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि 5C पर होने वाला है, और 5C में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर वो आप बहुत अच्छे तरीके से देख के समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको सारी चीज़ों को करने में। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें नेक्स्ट मुलाकात में होंगी और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए फिर, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।